नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदुत्व में आपका हार्दिक स्वागत है। बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी, हेल्थ और नॉलेज से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे वैष्णव देवी के मंदिर के पुजारी का खुला खत। मोदी जी को पुजारी ने ऐसी हरकतें लिखी हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या से पलायन की स्थिति बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मुसलमान संख्या में बढ़ेंगे, वहां के हिंदुओं के लिए खतरा बढ़ता जाएगा। अगर यकीन नहीं होता तो वैष्णव देवी के मंदिर के पुजारी का ये खत देख लो। नमस्ते देशवासियों, मैं जम्मू कश्मीर के वैष्णव देवी मंदिर का पुजारी हूँ। मैं अपना नाम नहीं बता सकता, इसलिए यह खुला पत्र लिख रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मैंने RSS प्रमुख मोहन भागवत, VHV प्रमुख प्रवीण तोगड़िया और प्रधानमंत्री को खत भी लिखा है, मगर कोई जवाब नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में कुछ वर्षों में क्या हुआ और क्या होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। श्रीनगर में एक ग्रोपड़ी पहाड़ी है। इस पहाड़ पे अधिकांश कराचार्य ने कई सालों तक तपस्या की थी, इसलिए यह पहाड़ का नाम अधिकांश कराचार्य रखा गया था। सैकड़ों पुराने इस पहाड़ का नाम बदलकर सुलेमान टापू रख दिया गया। श्रीनगर में हरि पर्वत का नाम बदलकर कोह मोहरन रख दिया गया। कश्मीर जिले के अनंतनाग का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया है। इसको सरकारी आश्वासन भी मिल गया है। अनंतनाग का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है उमा नगरी, उसका नाम बदलकर शेखपुरा रख दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार को श्रीनगर का नाम भी हजम नहीं हो रहा, इसका नाम बदलकर शहर खास रखने पर विचार चल रहा है। श्रीनगर में जिस चौक पर जामा मस्जिद मौजूद है, उस चौक का हिंदू नाम बदलकर मदीना चौक रख दिया गया है। घाटी में बहने वाली किशन गंगा नदी को अब दरियाए नीलम कहने लगा जा रहा है। मुझे अब भारत और राज्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। कुछ दिन पहले भारतीय सेना ने 22 साल पुराने बंकर हंदवाड़ा भी तोड़ दिया। नगर निगम और भाजपा नेता कुछ नहीं बोले। इसी से समझ जाइए यहाँ क्या हालात हैं। मुझे उम्मीद है भारतवासी जागेंगे, इस उम्मीद के साथ मैंने ये खत लिखा है। एक भारतीय नागरिक, वैष्णो देवी मंदिर का पुजारी। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। शुक्रिया।